हालेलुया, सबको जय मसीह की। जीवित परमेश्वर की हजूरी में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। हालेलुया, आइए सबसे पहले हम अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, सब शक्ति मानव मेरे कार्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते मेरे प्रभु सुंदर समय के लिए पिता कि आपने एक बार फिर प्रभु हमें मौका दिया कि प्रभु हम आपके नाम को प्रभु लोगों को बताने पाए। मेरे पिता आपके नाम को प्रभु ऊंचा करने पाए। मेरे परमेश्वर पिता हमारे जीवन में प्रभु समय लेकर आए पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, जब हम आपके वचन पर प्रभु जी मनन करते हैं, जब अपने आपके वचन को यहाँ पर हम बोलते हैं मेरे प्रभु जी, आपकी आत्मा पिता मंदिर होकर बोलने पाए और सुनने वालों पर देखने वालों पर पिता तेरे अनुग्रह तेरे सामर्थ्य उतरने पाए। मेरे पिता अपनी वेदी की याद से पिता हमारे होठों को पवित्र कर मेरे परमेश्वर, और जितने वचन प्रभु आज मैं सुनता हूँ मेरे पिता वो सौ के सौ गुना फल लेकर आने पाए, और जितने वचन हम बोलते हैं सुनते हैं पिता हम सब पिता जितने भी ऑनलाइन प्रभु हमको देख रहे हैं मेरे प्रभु जी, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता हर एक व्यक्ति पर तेरी सामर्थ और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ और तेरा अनुग्रह पिता हर एक उतरने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, और सबके सब पिता सौ के सौ गुना फल लेके आने पाए मेरे पिता, वचन को सुनने वाले नहीं पिता पर उस पर चलने वाले बनने पाए मेरे पिता। धन्यवाद पिता, आज के समय को हम आपके हाथों में सौंपते आदर सम्मान हम आपको देते पिता ईश्वर मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज प्रभु ने मुझको एक वचन दिया है और जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मरकुस की पुस्तक उसका अध्याय 5 और वचन 25। आज हमें ऐसे विश्वास के बारे में जानेंगे जो अद्भुत है। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। जी हाँ, अध्याय 5 मरकुस की किताब और उसका अध्याय 5 और उसकी 25 वचन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। 25 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। सब लोग अपना जिनके पास बाइबल वो अपना निकाल लेंगे। हालेलुया, लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह सुनाया। उसने उसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जाकर अपनी इस बीमारी से बचित। परमेश्वर जानने पर परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। एक महिला थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। जी हाँ, बाइबल हमें बताती है कि उसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि 12 साल में उसने अपने आप को किसी डॉक्टरों को नहीं दिखाया होगा, किसी हकीम को नहीं दिखाया होगा। भाई बताती है कि उसने ये सब काम किया। हालेलुया, ये सब काम उसने किया। उसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, दुख उठाया। परमेश्वर की माई, आराम नहीं मिला बल्कि दुख उठाया। हालेलुया,
और लिखा है अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। सब कुछ जो उसके पास था वो सब उसने डॉक्टरों को, हकीमों को, वैद्यों को दे दिया था, लेकिन कुछ लाभ उसको नहीं मिला था। लिखा है परंतु और भी रोगी हो गई थी, और भी ज्यादा वो रोगी हो गई थी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं और सोचते हैं कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगी, लेकिन उनको और ही कुछ बीमारी हो जाती है उस दवाई खाने से। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। लिखा है वह यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा सुनकर, क्योंकि उसने विश्वास किया। लिखा है उस वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आए, उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने कहा, छूने से पहले उसने कहा और कहने से पहले उसने विश्वास किया। हालेलुया। और विश्वास कब किया? जब किसी ने उसको यीशु के बारे में बताया। परमेश्वर की महिमा। विश्वास होता है कैसे? विश्वास होता है, लिखा है विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। उस महिला ने, महिला से किसी ने कहा कि यीशु मसीह नगर नगर, गांव गांव लोगों को चंगा करता हुआ फिर रहा है। कोई भी उसके पास जाता है वो उसको चंगा कर देता है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं उसकी चर्चा सुनकर, वह उसकी चर्चा सुनकर, वह महिला यीशु की चर्चा सुनकर उसके पीछे से आई। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को उसने छू लिया। परमेश्वर की महिमा। उसके वस्त्र को उसने छू लिया, जी हाँ, उसके उसके हाथ को, उसके पैर को नहीं छुआ। उस महिला ने यह भी नहीं कहा कि यीशु मसीह, हे प्रभु, मेरे सिर पर अपना हाथ रख, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका सब विश्वास नहीं था। उसने, आपने देखा बाइबल में कई जगह से लिखा है, 10 करोड़ यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमें चंगा कर दो। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, उसने कह दी प्रभु तू चाहे तो मैं चंगा कर सकता है। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर यीशु मसीह के पास आया, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। लेकिन इस महिला ने यीशु मसीह डायरेक्टली बात नहीं की। उसने नहीं कहा है प्रभु तू मुझे चंगा कर। हालेलुया। क्योंकि उसको ऐसा रोग था जिसको वो छुपाती थी। हालेलुया। यीशु से डायरेक्ट वो मिलती। हालेलुया। तो कहना पड़ता कि हे प्रभु तू मुझे इस बीमारी से चंगा कर। लेकिन वो चाहती थी कि मैं चंगी भी हो जाऊं और किसी को पता भी ना चले। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। इसीलिए वो पीछे से आई, पीछे से आई और उसने उसके आंचल को छुआ, उसके कपड़ों को छुआ, उसके वस्त्र को छुआ। हालेलुया। उसके वस्त्र को छुआ। बाइबल हमें बताती है कि उस महिला ने उसके वस्त्र को छुआ क्योंकि, और छू लिया क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। उसका विश्वास था उसके वस्त्र को छूने का। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम बाइबल को पढ़ें, मत्ती और उसका 15वां अध्याय और वचन 21 से लेकर 28 तक यदि हम पढ़ें, हालेलुया, तो वहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है। हालेलुया।
परमेश्वर की महिमा हो मेरे साथ निकालेंगे मती और उसका 15 अध्याय और 21 से लेकर यदि हम 28 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक स्त्री आती है यीशु मसीह के पास और कहती है कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। उसने उससे कुछ उत्तर न दिया, तब उसके चेलों ने उससे विनती की इसे विदा कर क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। परमेश्वर की महिमा। और वहां पे भी वो महिला का विश्वास यीशु मसीह ने देखा, वो कहती है कि यदि तू यहीं से बोल दे तो मेरी बेटी घर पे चंगी हो जाएगी क्योंकि उसको एक दुष्ट आत्मा सताया। हालेलुया। यदि हम मत्ती 8 को पढ़ें तो वहां पे भी एक सूबेदार आता है यीशु मसीह के पास और कहता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और मेरे अधीन सिपाही हैं, एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, एक से कहता हूं आ तो वो आता है, तो यहीं से बोल दे मेरा दास घर पे चंगा हो जाएगा, मैं इस योग्य नहीं कि तुझको अपने घर लेकर जाऊं, तो यहीं से बोल दे। उसका सब विश्वास था। हल्लेलुया। उसका सब विश्वास था कि यीशु मसीह वहीं से बोल देगा तो मेरा दास वहां पे चंगा हो जाएगा। हल्लेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। यदि यूहन्ना की किताब को पढ़ें तो वहां पर लाजर के बारे में लिखा है और यूहन्ना 11 और मार्था सॉरी यूहन्ना 11वां अध्याय और वचन 21 में मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। उसको विश्वास था यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हमने जाना कि लोगों ने अलग अलग तरीके से विश्वास किया। कुछ लोगों ने कहा कि हे प्रभु यदि तू मुझ पे मुझे छुए तो मैं चंगा हो जाऊंगा, यदि तू चाहे तो मैं चंगा कर सकता है। अंधे यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहे दाऊद की संतान हम पे दया कर, हम देखने लगे। हालेलुया। प्रभु कहता है विश्वास करो, प्रभु कहता है विश्वास करो, जैसे ही बन पड़ता है विश्वास करो। यीशु ने यूहन्ना 14वां अध्याय और 12वें वचन में कहा, हालेलुया, ये काम वह भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यह काम वह भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यीशु ने उस महिला को चंगा किया और उसने ये कहा कि ये काम वह भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करेगा, वरन इससे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। फिर से हम मत्तुस की पुस्तक में आ जाएंगे। हालेलुया। जी हाँ, इस वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। उसने विश्वास किया कि मैं उसके कपड़ों को छोड़ूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका ये विश्वास था, उसका विश्वास ये नहीं था कि ईश्वर मसीह मेरे सिर पे हाथ रखेगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। नहीं, उसका विश्वास था कि यदि मैं यीशु मसीह के आंचल के छोर को छोड़ूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और उसने वही काम किया। चुपके से आई पीछे से भीड़ में से हो जाती है और यीशु मसीह के आंचल को छू लेती है और चंगी हो जाती है। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपनी सामर्थ्य में जान लिया, मत में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह सुनाया।
उसने उसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तू सर से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, क्योंकि वह चंगी हो गई थी। उसने कहा, वह विश्वास करती थी कि यदि मैं तेरे आंचल को छोड़ूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, वो विश्वास करती थी कि यदि मैं यीशु मसीह के आंचल को छूलूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। यीशु ने कहा कि ये काम तो मैंने छोटे किए हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो इनसे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हमारा विश्वास होना चाहिए, ये हमारा फेथ होना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से हम क्या करें, विश्वास करें। हालेलुया, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हम फोन से प्रार्थना कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हम चर्च में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हम तेल और पानी का इस्तेमाल करेंगे चंगे हो जाएंगे, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हम रुमाल लगाएंगे तो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, प्रभु कहता है कैसे भी कर तू विश्वास कर। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र संसार को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। देखो यहां पर लिखा है, उसने उससे कहा, हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जितना बड़ा हमारा विश्वास होता है उतना ही बड़ा हमारा चमत्कार होता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। एक साधारण मनुष्य आए और वो कहे ये हो सकता है, लेकिन एक सूबेदार आता है और विश्वास करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद भी वो यीशु पर विश्वास करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। प्रभु कहता है विश्वास कर, कैसे भी कर। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसलिए उसे कहा, तेरे विश्वास मुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। थोड़ा पीछे हम पढ़ेंगे तो उसने लिखा है, तीसरा वचन यदि हम पढ़े तो उसमें लिखा, यीशु ने तुरंत अपने देह में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? हजारों लोग यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ रहे थे कि हम चंगे हो जाएंगे, छुओ उसको, उसके ऊपर गिरो, छुओ तो चंगे हो जाओगे। हालेलुया, लेकिन विश्वास नहीं था उन लोगों का। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर के सामर्थ उनके अंदर से नहीं निकले, यीशु के सामर्थ यीशु के अंदर से नहीं निकले। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। लेकिन उस महिला ने क्या किया, विश्वास के साथ यीशु के आंचल को छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया, चेलों ने कहा ये जो लोग तुझ पर गिर रहे हैं हमें नहीं पता किसने छुआ, क्योंकि चेलों को भी पता नहीं था, यीशु को भी पता नहीं था किसने छुआ। हालेलुया, क्योंकि वो तो खुद कहता है कि मुझको किसने छुआ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। लेकिन उसके अंदर से सामर्थ निकली थी, जो उसके ऊपर एनॉइंटिंग थी, अभिषेक था, वो उसके अंदर से निकला था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, वो कपड़ों के द्वारा, वस्त्र के द्वारा। हालेलुया, और उस महिला ने उसके वस्त्र के छोर को छूते ही वो चंगी हो गई। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, कुछ लोग बीमारी के कारण यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बीमारी यीशु मसीह चंगा करेगा, बीमारों को यीशु मसीह चंगा करेगा। किसी को, किसी बहन को बच्चा पैदा नहीं होता तो इसलिए वो चर्च में आती, उसको विश्वास होता है कि चर्च जाऊंगी तो प्रभु उस पर दया करेगा। हालेलुया, अनेकों बीमारियों को लेकर
व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को चंगा करता है। हालेलुया, केवल विश्वास के द्वारा, क्योंकि बाइबल बताती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को पाना अनहोना है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि जा, चली जा तो चंगी हो गई है, अपनी बीमारी से बची है, तुझे को चंगा कर दिया है। किसने? तेरे विश्वास ने चंगा किया है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, तेरे विश्वास तुझे चंगा किया है, हे पुत्री तेरे विश्वास तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे, अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, और वो बली चंगी हो जाती है। 12 साल से बीमारी में थी, बहुत रुपए पैसा उसका लग गया था, बहुत बाइबल बताती है। थोड़ा पीछे 25 वचन से लेकर 27 तक पढ़ेंगे, 26 तक पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा कि उसने अपना सब माल जो था उसके पास, धन दौलत जो भी था उसके पास, उसने सब व्यय कर दिया, सब को खत्म हो गया था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु कहता है विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, और यहां पर कहता है तेरे विश्वास तुझे चंगा किया है। हालेलुया, और सुबेदार से कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए होगा, जा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, कैसे भी। मैं नहीं जानता आप किस तरह से यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, बीमारी के कारण या अपने आर्थिक प्रॉब्लम के कारण या किसी भी तरह से आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। हालेलुया, लेकिन प्रभु कहता है विश्वास कर। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, हालेलुया, आइए हम सब, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, आपके चरण में आते पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज अपने अपने वचन के द्वारा प्रभु बताए मेरे पिता कि तेरे विश्वास में तुझे चंगा किया मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, यस प्रभु, तुम महान हो मेरे पिता, दिस अनंत काल तक तुम धन्य मेरे पिता, तो ही आदित्य और परमेगा, तू ही जीवन प्रस्थान पिता, तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और तेरे बंदियों को प्रभु कोई खोल सकता है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी लोग पिता हमको ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रभु जी, यदि उनके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम समस्या है, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम है मेरे पिता परमेश्वर, वो यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी उनके शरीर को छोड़ कर चले जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तूने कहा कि ये काम वो भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करने वाला, इनसे बड़े बड़े काम करेगा। हाँ मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति प्रभु चंगा हो मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से हर एक सर्वाइकल का बीमारी, हर एक टाइफाइड, मलेरिया, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर, बवासीर करो पिता, यीशु मसीह के नाम से निकल कर इसी समय इनके शरीर को छोड़ के चला जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी, मेरे जिन बहनों को बच्चा सकता है पिता, कई साल हो गए पिता उनको शादी को मेरे प्रभु जी, उनको मेरे पिता कोई बच्चा नहीं मेरे प्रभु जी, मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से, यदि वो इस हमको ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उनको संतान की आशीष मिलने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, उनको संतान की आशीष मिलने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते। जिनको कैंसर की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से कैंसर की बीमारी जाए, यीशु मसीह के नाम से बवासीर करो जाए, यीशु मसीह के नाम से टीवी करो जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक लंगड़ापन जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक चर्म रोग जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक दाग जाए, यीशु मसीह के नाम से सफेद दाग जाए, यीशु मसीह के नाम से कुष्ठ रोग जाए, यीशु मसीह के नाम से, और जिन परिवारों में झगड़ा है उनके परिवार से झगड़ा भी जाए, यीशु मसीह के नाम से, और हर एक व्यक्ति को शांति, छुटकारा और चंगा मिलने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, और मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ्य से घड़ी इन सबको बदलने पाए मेरे पिता। जितने भी लोग पिता हमको देख रहे हैं, जितने भी लोग पिता हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, चाहे कैसा भी रोग पिता इनके जीवन में है, कैसी भी परेशानी मेरे प्रभु इनके जीवन में है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्महत्या करना चाहते हैं मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर उनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम है कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं मेरे पिता, इसी घड़ी तेरा
सामर्थ्य बना हाथ उनको छू नहीं पाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हर एक दुख दर्द हर एक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को छोड़कर चले जाए मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जो मेरे पिता डॉक्टर पर जाते थे प्रभु थक गए हैं, मेरे प्रभु आपने कहा मेरे थके हारे सभी मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता आपने कहा बहुत सारे लोगों मेरे पास आओ मेरे पिता, जो अपनी बीमारी का इलाज कराते कराते प्रभु थक गए हैं मेरे पिता, उन्होंने अपना सब माल व्यय कर दिया है पिता। हाँ मेरे प्रभु इस महिला की तरह मेरे पिता इसने भी प्रभु अपना जो कुछ उसके पास था वो सब माल उसने वैद्यों को हकीमों को व्यय कर दिया, लेकिन उसने वो ठीक भी ना होने पाई थी पिता। ऐसे जितने लोग भी प्रभु हमको देख रहे हैं पिता, इसी घड़ी तेरा सामर्थ्य बना हाथ उनको छू नहीं पाए मेरे पिता। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे यीशु मसीह, मेरे मेरे प्रभु, मेरे राजा, मेरे स्वामी यीशु मसीह, तेरा अभिषेक मेरे परमेश्वर उनके ऊपर तो नहीं पाए पिता, और वो चंगे हो जाए मेरे पिता। जितनी महिलाएं पिता इस रोग से पीड़ित है पिता, जितनी महिलाओं को प्रभु रोग है मेरे पिता, हाँ प्रभु उनके पेट के निचले हिस्से में प्रभु प्रॉब्लम है पिता, वो यीशु मसीह के नाम से प्रभु चंगे हो जाए मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। हाँ मेरे परमेश्वर इनके जीवन को हर एक बीमारी, हर एक दुष्टतन की आत्मा, हर एक परेशान करने वाली आत्मा छोड़कर इसी समय इनके शरीर को छोड़कर जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक को छुटकारा चंगा मिले पाए पिता। धन्यवाद पिता, आदर सम्मान हम आपको देते मेरे पिता, धन्यवाद करते पिता आपने दिया पिता जो हमने मांगा मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता इनको चमक करने के लिए पिता, आपका धन्यवाद मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार अपने वस्त्र को छूकर, यीशु मसीह ने जिस प्रकार अपने वस्त्र से उस महिला को, महिला ने छूकर यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, जी हाँ, उस महिला ने यीशु मसीह के आंचल को छुआ और वो चंगी हो गई, यीशु ने कहा तेरे वस्त्र ने चंगा किया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने कहा कि ये काम जो मैंने किए हैं ये वो भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करेगा, परंतु इससे बड़े बड़े काम करेगा, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आपके पास कोई भी कपड़ा, कोई भी रुमाल, किसी भी तरह का कपड़ा आपके पास है तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, और जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी अंग में प्रॉब्लम है, बॉडी के किसी भी अंग में प्रॉब्लम है, उस कपड़े को, उस रुमाल को, किसी भी तरह का रुमाल कपड़ा है, किसी भी तरह का कपड़ा है, आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये मेरा फेथ है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि मैं रुमाल से प्रार्थना करूंगा और लोग चंगे होंगे, हालेलुया। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है, जहां पे भी आपको परेशानी है, जहां पे भी किसी भी तरह का रोग क्यों ना हो, हालेलुया, कितने भी दिन का रोग क्यों ना हो, कितने भी दिन की बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह ने यहाँ पर हमने वचन को पढ़ा, 12 साल से महिला बीमार थी, 12 साल से बीमारी में थी, 12 साल से अपनी परेशानी में थी और ये चंगी नहीं हो पाई थी, हालेलुया, इसने यीशु मसीह के आंचल को छुआ चंगी हो गई, हालेलुया। आज हम भी यीशु मसीह के आचरण को छूएंगे और चंगे हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह बदलता नहीं, कल आज और कल वो एक सा है, वो पहले भी काम करता था, 2000 साल पहले उसने लोगों को चंगा किया, वो आज भी काम करता है, वो आज भी चंगा कर रहा है, हालेलुया, और आगे भी वो चंगा करेगा, हालेलुया, ये मेरा विश्वास है। यदि आपको विश्वास है कि हम प्रार्थना करेंगे और आप जहां पे भी रुमाल है, किसी भी तरह का कपड़ा आप लगाएंगे वहां पे आप चंगे हो जाएंगे, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, विश्वास कीजिए आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, क्योंकि यीशु कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, हालेलुया। तो सब लोग अपना रुमाल, अपना कपड़ा, किसी भी तरह का मेरे साथ घुमा सकते हैं, और प्रार्थना के साथ आप जहां पे भी प्रॉब्लम है, जहां पे भी आपको परेशानी है, किसी भी अंग में, वहां पे आप लगाइएगा और प्रभु आपको इसी घड़ी चंगा करेगा, हालेलुया। इस प्रकार इस महिला को, इस महिला ने जैसे ही उसके आंचल को छुआ उसी घड़ी वो चंगी होगी, इसी तरह से आज आपका कपड़ा ये मेरा नहीं, ये आपका है, आपका रुमाल आपके पास जो है ये वो सब आपका है,
आप उस रुमाल को वहीं पे लगाइएगा जहां पे आपको प्रॉब्लम है, और इस मसीह आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ रुमाल घुमाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और जहां भी आपको परेशानी है, जहां भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का क्यों ना हो, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि हर एक रोग को मेरा यीशु चंगा करता है, हर एक बीमारी को मेरा यीशु चंगा करता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ रुमाल घुमाइएगा और प्रभु आपको चंगा करेगा। परमेश्वर की सामर्थ आपके कपड़े में आएगी, और आप जहां पे भी लगाएंगे आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे साथ रुमाल घुमाइएगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सब शक्तिमान का कार्य पिता परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी, जितने भी लोग पिता हमारे साथ प्रभु कपड़ा रुमाल किसी भी तरह का प्रभु कपड़ा घुमा रहे मेरे प्रभु रुमाल घुमा रहे पिता, इन तमाम कपड़ों में प्रभु जितने ऑनलाइन प्रभु हमको देख रहे हैं, यदि वे प्रभु रुमाल घुमा रहे मेरे प्रभु जी, उन तमाम कपड़े रुमाल में प्रभु तेरी सामर्थ उतर जाए, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर जाए, तेरी वेद की आग उतर जाए मेरे पिता। हाय प्रभु परमेश्वर पिता, इस मसीह तेरी सामर्थ उतर जाए मेरे पिता, ये कपड़ा आशीषित हो जाए मेरे पिता, हरे 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 परेशानी जहां पे प्रभु कपड़ा लगा जाए मेरे पिता, हर एक परेशानी पिता इस कपड़े को लगा के मेरे पिता दूर होने पाए मेरे पिता, जिस प्रकार से 12 साल की महिला ने प्रभु तेरे आंचल को छुआ मेरे पिता, वो चंगी होगी मेरे प्रभु जी, उसी घड़ी प्रभु चंगी होगी मेरे पिता परमेश्वर, ये प्रभु इनका कपड़ा प्रभु तेरा आंचल बन जाए मेरे पिता, ये मेरा फेथ है मेरा विश्वास है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, और जहां भी प्रभु कपड़ा लगाए मेरे पिता चंगे हो जाए पिता, और गवाही देने पाए मेरे पिता, इसी खड़ी मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से बड़ी बड़ी गवाही उनके जीवन में होने पाए मेरे पिता, जितने लोग पिता हमारे साथ कपड़ा रुमाल घुमाने पिता, इन तमाम कपड़े रुमालों में पिता तेरी सामर्थ आ जाए मेरे पर, जहां भी प्रभु कपड़ा लगा जाए मेरे पिता, हर एक रोग हर पर्सन हर बीमारी पिता कैसी भी क्यों ना मेरे पिता, इस कपड़े को लगाते ही मेरे पिता वो दूर होने पाए और छुटकारा चंगाई हो यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, तूने कहा तेरे विश्वास में चंगा किया मेरे पिता, और उस महिला ने प्रभु तेरे आंचल को छुआ वो चंगी होगी मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, ये जहां भी प्रभु कपड़ा लगाए मेरे पिता चंगे हो जाए, यदि विश्वास से लगाए मेरे पिता चंगे हो जाए मेरे पिता, और गवाही देने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, अपने कपड़े को लगा सकते हैं जहां भी आपको प्रॉब्लम है, जहां पे भी आपको परेशानी है, मेरा यीशु आपको छू रहा है। यस फादर थैंक यू, यस लॉर्ड, हाँ मेरे परमेश्वर, रामा सिंधा नकारा, हालेलुया, होली होली पवित्र आत्मा जी, यस मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे पिता, हाँ मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु के जीवन में प्रभु तुम गवाही हो मेरे पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, जितने लोगों ने प्रभु हमारे साथ प्रभु रुमाल कपड़ा घुमाए मेरे पिता, किसी तरह का प्रभु कपड़ा लगा मेरे घुमाए मेरे पिता, और उन्होंने अपने हर एक उस अंग में जहाँ पे उनको परेशानी पिता वहाँ पे लगाए पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता आपने उनको चंगा किया मेरे पिता, हाँ मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में प्रभु इनकी बड़ी बड़ी गवाही आएंगी प्रभु, और तेरे नाम को प्रभु ऊंचा करेंगे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद हो कि उसने आपको चंगा किया है, और मेरा ये फेथ है कि आपका ये रुमाल ने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपको चंगा किया है। हालेलुया, न छल से न बल से बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, हाँ हालेलुया। तो मैं परमेश्वर आप सबको आशीष दे, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, सबको जय मसीह की।